सो हेलो, वेलकम टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। गुड मॉर्निंग भाई साहब, सभी को मेरी तरफ से, आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग यारो। तो अपने पास है यूडी कंपनी का ये नया ट्रेलर, जो देख सकते हो। तो कैबिन दिखा रहा हूँ सबसे पहले आपको, मैं कैबिन देख लीजिए आप। यूडी कंपनी का ट्रेलर है गाइस, ये देख सकते हो, काफ़ी रेड कलर में, काफ़ी गजब ट्रेलर भी। कॉपी कंपनी का समझ में नहीं आ रहा मुझे, नाम पढ़ने ही नहीं आ रहा है। आपको अगर समझ में आ रहा तो देखो, इतना बड़ा ट्रेलर है भाई। देखो मेन हैवी के ऊपर है, 420 लोडिंग का भी। फिलहाल अभी तो ट्रक पूरा खाली है अपना, इसलिए लोडिंग कुछ है ही नहीं इसके अंदर, खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस काफ़ी तेज़ी से जाने वाली। फिलहाल आपको ट्रेलर दिखा देता हूँ, ये देखो काफ़ी बड़ा और लंबा भी है, पूरा खाली है ट्रेलर अभी। और इसको हम लेके जा रहे हैं घर पे भाई साहब, हमारे जो नया घर हमने खरीदा है अभी, यहाँ पे एकदम अंदर खरीदा भाई, मेन हाईवे के ऊपर नहीं खरीदा हमने। हमने खरीदा है एकदम जंगल इलाके में घर है भाई साहब हमारा, जो कि ऑफ रोडिंग भी है। अभी जो मेन रोड है, अभी मेन रोड पे चल रहे भाई, आगे जाके अपने को ऑफ रोडिंग भी मिल जाएंगी। वहाँ से ऑफ रोडिंग अंदर जाना पड़ेगा कच्चे रोड से, फिर वहाँ पर अपना घर मिलेगा भाई। काफ़ी दूर है यहाँ से, तो फिलहाल अभी दिखाता हूँ आपको, मैं घर भी अपना दिखा देता हूँ। फिलहाल तो अभी रोड के ऊपर चल रहा हूँ मैं, के आगे यहाँ से थोड़ी दूरी के बाद में एक ऑफ रोड कच्चा रोड आएगा, उस रोड से ही जाना पड़ेगा अपने घर के रास्ते में। ट्रैफिक भाई साहब बहुत सारे मिल रहे हैं भाई अपने को, ट्रैफिक इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल, पता नहीं। अरे भाई ये ट्रक वालों को अचानक से क्या हो गया था भाई, अजीब चाल ही कर रहा था वो भाई, समझ यार। ट्रेलर तो पूरा खाली है भाई साहब, पूरा का पूरा ट्रेलर खाली है। इसे देखो कुछ भी वेट नहीं, बड़े आराम से धीरे 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 बढ़ रहा है भाई साहब, कुछ भी 1% भी लोड नहीं इसको, पूरा ट्रेलर खाली है। इसको अभी लोडिंग करने बाकी है फिलहाल। हमने ये जो ट्रेलर दिख रहा है भाई, जो पीछे का कंटेनर, इसको हमने लेके गया था भाई कलर मारने के लिए, क्योंकि इसको पढ़ के भाई पूरा हमने नया कंटेनर खरीदा है और इस पर कलर कुछ मारा नहीं। तो हमने दे दो कुछ शानदार व्हाइट में, व्हाइट रेड के कॉम्बिनेशन में कलर मारा। कैसे दिख रहा है आप कमेंट में बताओ, ये ट्रेलर पीछे का ट्रेलर जो है ना। हालांकि हमने ट्रक जो अपना तो कैबिन जो दिख रहा है ग्रीन कलर में, हम ग्रीन में भी करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो ग्रीन में कुछ खास दिख नहीं रहा था, पूरा अलग ही दिख रहा था लुक उसका, अच्छा लुक दिख नहीं रहा था। इसलिए हम रेड और वाइट कलर में हमने पेंट करवाया इसको। नीचे पीछे का ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मुझे तो अच्छा दिख रहा है भाई साहब। आप पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है कुछ कमेंट में बता सकते हैं आप। अरे देखो नो एग्जिट का बोर्ड आ गया भाई साहब, इससे अंदर जाना है अपने। अरे बोर्ड नो एग्जिट का मुझे समझ नहीं आ रहा, एग्जिट कर नहीं सकती कि क्या, मतलब उसका आइडिया नहीं है मुझे कुछ। ये देखो नो एग्जिट का आ गया है, यहाँ से ऑफ रोडिंग है भाई, यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा अपना, जो हमने जो घर खरीदा है इसके अंदर है, तो यहाँ से अंदर लेना पड़ेगा अपने को। ये देखो ऑफ रोडिंग, पूरा कच्चा रोड है भाई साहब, और वन वे रोड है भाई, सिर्फ जा सकते आ नहीं सकते, इसलिए नो एग्जिट का कुछ बोर्ड लगा है वहाँ पे। यार यहाँ पे ट्रैफिक में बढ़ गया भाई, मुझे यहाँ से टर्न लेना है। चलो तो सबसे पहले बस वाले को जान दो, बस वाले को जैसे जाते वैसे ही टर्न ले लेते यहाँ से। अब ले लेते हैं, अब सही मौका है अपने को यहाँ से टर्न लेने का। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाइयों प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो। ये देखो अब वो निकल, अभी तो यार मेन हाईवे तो अपना छूट जाएगा पीछे, अभी ये देखो कच्चे रास्ते पर जाना पड़ेगा अपने को। और यही रास्ते पर भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता भाई साहब, ये तो अच्छी होगी भाई कि यहाँ पे वन वे रोड है, अगर दोनों साइड से अगर ट्रैफिक आ जाता ना, दोनों साइड से अब गाड़ी चलने लग जाती नहीं छोटे रास्ते पे, तो भाई साइड देने की प्रॉब्लम जाती है भाई साहब, क्योंकि साइड देने के लिए जगह ही नहीं है भाई, कुछ भी जगह नहीं, इतनी पतला सड़क है भाई। एक ही साइड से देखो पूरा ट्रक ही पर में आ गया, देखो जगह ही नहीं है आसपास, कुछ भी जगह नहीं। देखो 1% जगह, देखो ऐसे पत्थर पत्थर पड़े रास्ते पे पड़े हुए हैं, और ऐसे पत्थर इलाके में से अपने को ट्रक को निकालना भी है भाई साहब। देखो सब एक एक गाड़ी निकालने जैसे जगह है भाई, दो रास्ते अगर दो गई सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी तो उनको साइड देना कहाँ से, क्योंकि समतल रोड नहीं है, मतलब एक जैसा रोड नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, एक अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या पलट तो नहीं गया भाई अपना कंटेनर, नहीं नहीं बच गया बच गया। अरे भाई ये कहाँ चले गया, बच गया। अरे समतल रोड नहीं, देखो निकल गया निकल गया निकल गया भाई, मुझे लगा यार ख़त्म हो गया आप तो, कि मेरा ध्यान थोड़ा रोड के ऊपर नहीं था, उसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, तो भाई मैं बोल रहा था कि ये जो रोड है ना भाई, ये समतल रोड नहीं है, मतलब एक जैसा रोड नहीं है। देखो पूरा एक तरफ से देखो उतारे ढलान जैसे बनी है, दूसरी तरफ से नाली जैसे कुछ गड्ढा बना के रखा है इन्होंने, मतलब साइड दे ही नहीं सकते। अगर गलती से ये
लेफ्ट साइड चले गए तो नाली में जाएंगे, यहाँ पे राइट साइड निकल गए तो नीचे उतर जाएंगे भाई साहब, तो गलत चीज़ हो जाएंगी। तो अपने को रोड के ऊपर ही चलाना है, जैसे मर्जी चलाओ लेकिन चलाना तो रोड के ऊपर ही भाई। रोड अगर समतल रहता ना भाई साहब तो मज़ा आ जाता, डबल दो पदरी रोड रहता ना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन दो पदरी रोड नहीं है ना तो गड़बड़ हो जा रही है यहाँ पे। चलो ट्रैफिक नहीं है तो ये अच्छी बात है, वन वे रोड है भाई साहब, मतलब जा ही सकते हैं, आने वाला कोई है ही नहीं है, तो ये थोड़ा अच्छी बात हो जाएगी अपने लिए। जी ऐसी एग्जिट है से नहीं है भाई साहब, एग्जिट अगर अपने को मेन हाईवे पहुँचना है तो इसी रास्ते को वापस नहीं आ सकते हम, इसी रास्ते को कंटिन्यू सामने जाना पड़ेगा। सामने यही रोड मेन हाईवे पर जाके मिलता है, जो कि 10 किलोमीटर का घेरा पड़ जाएगा भाई साहब, मतलब 10 किलोमीटर आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो यहाँ से ये देखो ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया, तो इनको लिए आज एक काम करते हैं, साइड में तो लगा दिए अपने ट्रक को, साइड में लगा दिया हमने। देख अभी ये गाड़ी जा कि नहीं रहे भाई, इतने ज़्यादा साइड पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जमा तो हो गया यार। इनकी दिक्कत पता नहीं क्या है यार, इनको साइड देने के बाद में भी ये निकलते नहीं आगे, देखो। चलो यार कोई इनका मूड लग नहीं रहा मुझे जाने का, अपने को निकालना पड़ेगा ट्रक, अपने ट्रक को भगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो जाने को राजी नहीं है। साइड दे दिए देखो, मैं जैसे देखो कंटेनर जैसे सामने भगूंगा वैसे ही वो भी अपने पीछे पीछे आएंगे, लेकिन साइड दे दिए, अब सामने जाने को ना तो इन्होंने लेकिन नहीं जा रहे। तो चलो अपनी मेरी गलती नहीं है, उनको मैंने एक बार साइड दे दी वो गई नहीं, वो आगे को गई नहीं कोई भी, तो अपना अपने पीछे पीछे आना पड़ेगा उनको। ये देखो कितनी ज़्यादा लाइन लगी पड़ी है पीछे, अब क्या कर सकते हैं, मैंने उनको साइड दी लेकिन वो जा नहीं रहे, तो अब मेरी गलती है ही नहीं वो। अरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक भी कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दो, पास में बेल आइकन होगा उसको ऑल को सेट करना, सेट कर देना यार। अरे यार कि भाई चलते गाड़ी में, कंटेनर का गेट किसने खोल दिया था भाई, मेरी गलती की वजह से मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ क्योंकि देखो कंटेनर खाली है, मान लिया मैंने खाली है अपना कंटेनर, कुछ भी लोडिंग वगैरह कुछ आई नहीं उसके अंदर, लेकिन भाई रोड ऐसा ऑफ रोडिंग रोड है ना भाई, और इस पर देखो पूरा ट्रक झूल जा रहा है, मतलब पूरा हिल जा रहा है ट्रक इसके ऊपर, जैसे स्पीड बढ़ रहा हूँ मैं पूरा ट्रक ऐसा हिल जा रहा है, कैबिन भी और पीछे का जो कंटेनर है रखा आपने पीछे का पूरा वो मुझे मिरर में दिख रहा, पूरा हिल रहा भाई सब, देखो कैसे हिल रहा है, वो डगमग डगमग कर रहा है पूरा का पूरा, मिरर में आपको दिख रहा होगा, मिरर में देखो पूरा पीछे का रेड जो कंटेनर अपना पूरा हिल जा रहा है भाई साहब। इसके चक्कर में थोड़ा सा मुझे लग रहा है, डर लग रहा है थोड़ा मुझे, पलट ना जाए इसके चक्कर में। पर बीच बीच में पता नहीं ना रोड के ऊपर ही सीमेंट के जैसा पता नहीं क्यों गड्ढा होने के चक्कर में बनाया, शायद इससे अच्छा वो बीच बीच में छोटा छोटा बनाने से अच्छा पूरा रोड ही भाई सीमेंट का बना देता भाई, अच्छा हो जा रहा था ना। एक तो यहाँ पे कोई कुछ है भी नहीं बीच रास्ते में कि चलो भाई रुक के कुछ खाया जाए, होटल या फिर कुछ रेस्टोरेंट, कुछ भी नहीं भाई साहब, ये रास्ते के ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारी एक छोटी सी बस्ती बनी पड़ी है जो हमने खुद ने बनाई है, तो आपको आगे दिखा तो बस्ती छोटी सी बस्ती है भाई साहब, जहाँ के 4-5, 10-12 घर होंगे, ज़्यादा घर भी नहीं है और आसपास कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे घर के अलावा कुछ भी है भी नहीं भाई साहब। तो अब इतने बड़ा ट्रक हमने खरीदा है तो अब इसके लिए पार्किंग बनानी पड़ेगी क्योंकि पार्किंग भी हमने बनाई नहीं है, ऐसे समतल रोड है भाई साहब, इतने बेकार सा रोड है और पार्किंग भी बनाई नहीं है। तो अभी देखते हैं, अभी ट्रक को लेके तो जा रहा हूँ लेकिन इसको अभी लगाना कहाँ पे ये भी सोचना पड़ेगा, अभी वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेंगे इसको लगाना कहाँ पे, फिलहाल वहाँ पे पार्किंग बनाई नहीं है मुझे पता है। और घर के जो सामने का जो भी पेस्ट था घर जो बनाया हमने, वहाँ पे भी इतना बड़ा ट्रक आएंगा नहीं, पार्किंग बनाई नहीं है, छोटे कार के लिए पार्किंग है, बसेस वगैरह पार्क हो जाती, लेकिन इतना बड़ा लंबा ट्रक वहाँ पे पार्क नहीं होगा भाई। देखते हैं अभी, ये देखो स्पीड से चलाने की कोशिश, देखो पूरा ट्रक झूल जा रहा है भाई। हालांकि रोड उतना जितना मैं बोल रहा था उतना तो खराब है नहीं है, सिर्फ छोटा रोड है, ऐसे छोटे रोड के ऊपर अगर ज़्यादा लोडिंग वाला ट्रक लेके आओ तो भाई पलटने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे इसके ऊपर। ये देखो अब यहाँ पे मेरे को जगह मिल गई इनको साइड देने की, लेकिन पीछे हमारे कोई नहीं है, अब ये आ रहे देखो, लेकिन अपने पास टाइम नहीं, अगर उनको रोका भी तो फिर जाएंगे नहीं वो। देखो हमने अभी देखो, ये देखो साइड में रखा ट्रक को फिर भी नहीं, देखो उन्होंने ब्रेक मार दी, सामने की सभी गाड़ी उन्होंने, सामने का कंटेनर वाले को पता नहीं ट्रक वालों क्या दिक्कत है, वो जा ही नहीं रहा अपने सामने। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको साइड दे के उनको सामने बेचने की, लेकिन वो जा ही नहीं रहे तो क्या ही कर सकता। अब नहीं भाई, दो बार मैंने साइड दे दी, दोनों बार भी वो गई नहीं आगे, अब तो मैं साइड नहीं देने वाला उनको, अब हो गया, अब बहुत हो गया, अब साइड नहीं देने वाला, 1% भी साइड नहीं देता हूँ उनको, अब उनको अपने पीछे पीछे आना पड़ेगा। हाँ अब क्या है, कुछ कर नहीं सकते हम, कुछ करने वाले हैं नहीं और उनको साइड देने वाले हैं नहीं भाई,
अपने अभी गांव बस्ती नज़दीक आने वाली है भाई साहब। अरे नहीं 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 अरे नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, ज़्यादा स्पीड से नहीं लेना पड़ेगा भाई, यानी तो ये देखो रोड के नीचे उतर जा रहा तो पलट ना जाए यार, इसी चक्कर में स्पीड से ले जाने के चक्कर में नीचे पलट ना जाए ट्रक, मुझे तो लग रहा पलट ना जाए तो ख़त्म हो जाएगा, पलट अगर जाएगा तो। टर्निंग ज़्यादा खतरनाक टर्निंग लग रही है मुझे, यहाँ से आराम आराम से लेना पड़ेगा भाई, काफ़ी खतरनाक से टर्निंग लग रही है भाई साहब। और ये देखो एक देखो ये थोड़ा नदी समुद्र है भाई, समुद्र है कि नदी है पता नहीं कुछ ये, लेकिन देखो यहाँ पे इतना बड़ा टर्निंग मोड है और रास्ते के ऊपर कोई बैरल भी लगाया नहीं भाई, कुछ भी सेफ्टी नहीं है इस रोड के ऊपर। देखो गलती से भी स्पीड से अगर टर्निंग मोड अगर गलती से अपने 100-150 या कुछ भी ज़्यादा स्पीड रही ट्रक की कोई भी गाड़ी की, अगर उसका ज़्यादा स्पीड से हम यहाँ से अगर टर्न काटने की कोशिश करेंगे ना भाई, सीधा पानी में निकल जाएंगे, सीधा का सीधा पानी में लैंडिंग हो जाएंगे अपनी, पूरे सीधे जाके पानी में अंदर, क्योंकि सेफ्टी वहाँ पे है ही नहीं, उसने इतनी ख़तरनाक टर्निंग होने के बाद में वहाँ पे सेफ्टी कुछ भी नहीं है, साइड के बाद में कुछ भी डिवाइडर टाइप कुछ भी लगा देते भाई, जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाए, अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो गाड़ी ठुक के उसको जाके धड़क जाके ठोक के उसको रुक जाए वहाँ पे, ऐसा कुछ लगाया नहीं रोड के ऊपर, कुछ भी नहीं है, चलो सीधे रोड के ऊपर लगाया नहीं, लेकिन टर्निंग मोड पे तो लगाओ कुछ ना कुछ, कुछ भी नहीं लगाया भाई साहब, क्या ही बोल सकते। देखो रोड देखो कैसा है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया भाई, और समुद्र ही होगा भाई, काफ़ी बड़ा दिख रहा है मुझे। अरे नहीं ये देखो दिक्कत देखो, थोड़ा सा भी मैं रोड के जगह नीचे भी उतर रहा हूँ ना, तो देखो रोड के चक्कर में पूरा स्लिप होके नीचे गिर जा रहा हूँ, मतलब ऐसा रोड बना के रखा है इन्होंने, हम कुछ कर भी नहीं सकते भाई, क्या कर सकते, पूरा समतल रोड बना के रखा है, ख़राब से ऐसा बेकार सा रोड, मेरे को ज़रा भी पसंद नहीं आया भाई साहब ये रोड तो, मेरे को ज़रा 1% भी समझ में नहीं आया। और कितने दूर जाना है यार, कब से इसी रोड के ऊपर चल रहा हूँ भाई, खत्म ही नहीं होना रोड, और कितने आगे जाना है भाई, आजा यार किधर जाना है, और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे तो साला खतरनाक मोड आ रहे भाई, नीचे मत चल जाना यार, नीचे चल जाएगा तो खत्म भाई, पानी में चल जाना, ट्रक पूरा पानी में गिर जाएगा भाई साहब, इसलिए नीचे नहीं गिरना, इसको नीचे गिरा तो गया पानी में खत्म। ये बीच बीच रास्ते में कचरे और सीमेंट का क्या क्या बना कर रखा समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये देखो यहाँ पे भी सीमेंट का कुछ डाला है उनने, तो पूरे रोड के ऊपर डालते तो मज़ा आता ना, पूरे रोड के ऊपर डाल देना था भाई, ये देखो उतना साइड देने के बाद में भी देखो, अभी देखो पूरा साइड से चल रहा हूँ मैं ट्रक लेके, लेकिन फिर भी पीछे से देखो कोई भी गाड़ी आगे नहीं जा रही भाई साहब, क्या दिक्कत है इनको पता नहीं, आगे ये क्या पुलिया जैसा क्या बना कर रखा है, शॉर्टकट कौन सा रास्ता है भाई, अभी आपको दिखाता हूँ 2 मिनट रुक जाइए, ये देखो यहाँ से यहाँ उधर जाना है, उधर से इसी रोड पर मिलना है, मुझे नहीं जाना है उसको लेके भाई साहब, रिस्क लेना तो पॉसिबल नहीं होगा भाई, क्योंकि रिक्स लेना तो गड़बड़ हो जाएंगे अभी, क्योंकि नज़दीक आ गए हम, हमारे घर के पास आ गए, नज़दीक है हम, वो देखो घर उन दिख रहे होंगे ना, अपना घर यहीं पे है। अरे भाई क्या हो गया, वो देखो ये देखो गाड़ी सब गाड़ी उन्हें पुलिया के ऊपर से आ रहे, पता नहीं क्यों ये रास्ता छोड़ के वो पुलिया के ऊपर से क्यों आ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हालांकि वो रास्ता घूम के उधर ही आना है, यही रास्ते पे मिल रहा है वो, फिर भी पता नहीं वहाँ पे क्यों आ रहे, यहाँ पे कर दी, अरे भाई गड़बड़ हो गई भाई यहाँ पे, ये देख, अरे नहीं 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 अरे इसके बार बार गेट क्यों खुल जा रहे भाई, मैं तो गेट का बटन दबा भी ना, ओपन कर भी नहीं रहा, फिर भी इसके गेट कैसे खुल जा रहे भाई, इसके बहुत अजीब से कंट्रोल है भाई साहब, ये ट्रक की बहुत ही अजीब से कंट्रोल, मुझे एक भी इतने दूर तक मैं ड्राइवर के अलावा, लेकिन मुझे कंट्रोल समझ में नहीं आया, देखो
स्टेरिंग व्हील तो क्या ही बोल सकते यार, किधर किधर जा रहा है ट्रक पता नहीं है। देखो अपना घर उन आगे, अपना घर बताता हूँ मैं। महीने में परचेज किया था घर, ये नहीं एकदम लास्ट वाला है, ये लाइन की, ये लाइन में जो भी लास्ट वाला घर रहेंगे वो अपना है। बताता हूँ मैं, यहाँ तो पार्किंग एरिया नहीं है भाई साहब। देखो पता नहीं अभी इसको तो इतने दूर तो लेके आओ, लेकिन इसको रखना कहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसको भी पार्किंग कहाँ पे करो, क्योंकि रोड के ऊपर रख नहीं सकते भाई, क्योंकि पीछे से भी ट्रैफिक आ रहे काफ़ी सारे गाड़ियों ने, उनको भी साइड देना है। तो फिर अभी कहाँ पे खड़ा कर सकता हूँ मैं? एक तो अपने घर के पास में जगह मिल जाएंगी तो अच्छी बात रह जाएंगी भाई। रोड के साइड में रखना पड़ेंगे यार। ये देखो ये आ गया अपना घर, ये देखो ये है अपना, ये जो मुझे पुलिस वैन है ना भाई, ये अपना घर है। इसके अब यहीं पे अपने को खड़ा करना पड़ेगा अपना ट्रक। ये देखो यहाँ पे भी जगह नहीं, देखो समतल जगह नहीं है, देखो पूरी डाला नहीं, और ये देखो पूरा नीचे उतरने टाइप, यहीं पे खड़ा करना पड़ेगा। चाह कुछ है ही नहीं भाई, क्योंकि इस रोड के ऊपर खड़ा नहीं कर सकते ट्रक को। और ये देखो यहाँ पे खड़ा करने के बाद में भी मुझे लगता है स्लिप तो होगा। वो देखो स्लिप हो रहा है, स्लिप हो रहा है, स्लिप हो रहा है भाई, स्लिप हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्लिप हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी इसको तो रखना तो यहीं पर पड़ेगा। अपना घर अपना पीछे ही है भाई। वो देखो जो दिख रहा है ना पीछे, छोटी सी गली है, देखो छोटा सा महल है। अरे वो लग गया अपना ट्रक।